ऐसा कुछ नहीं था कि बड़ी मूवी की वजह से प्रॉब्लम हुई, सम टेक्निकल प्रॉब्लम लाइक इन यूएफओ, लाइक जब हार्ड डिस्क वो हो रही थी तो कुछ प्रॉब्लम आई थी, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था। हाँ पहले थोड़ी हुई थी ऐसे कि लाइक टाइगर जिंदा की वजह से, बट इस बार ऐसा कुछ था नहीं कि बड़ी मूवी आ रही है इसलिए, बस थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मूवी फुल कम्प्लीट हो चुकी है। सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि थिएटर नहीं मिल रहा इसलिए आप लोगों ने नो दैट्स नॉट द थिंग। सूत्र तो कुछ भी हो सकता है, सूत्र तो कुछ भी बोल सकते हैं, सूत्र जो है वो बिल्कुल जल्दी ही हमें लगता है कि मार्च तक हमारी फिल्म आ जाएगी सिनेमाघरों में, लेकिन डेट क्लियर डेट और हम कंपनी अभी अनाउंस नहीं करेंगे सर। बहुत जल्दी फर्स्ट वीक इट वॉज लाइक रियली हार्ड फॉर मी टू लाइक एक्ट इन फ्रंट ऑफ दम, आई फील रियली यू नो नर्वस लाइक इफ दे विल स्कोल्ड मी इफ आई एम नॉट डूइंग, बट दे रियली हेल्प मी ऑन द शूट लाइक हाउ टू गिव द एक्सप्रेशन एंड हाउ टू यू नो वॉक एंड इन एक्शन सीन्स मोस्टली शहबाज खान जी हेल्प मी लाइक हाउ यू नीड टू लाइक किक द सम द गाय इन फ्रंट ऑफ यू एंड हाउ यू नीड टू गिव इन द एक्सप्रेशन। पर पहले का इंटरव्यू देखे और आपका इंटरव्यू देखे तो काफी चेंजेस आया तुम्हारे में, कहां से आया कॉन्फिडेंस, कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट लाइक एवरीवन फील्स नर्वस नाउ, धीरे धीरे आता था, धीरे धीरे एक्टिंग में भी ऐसा ही था, धीरे 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 आगे इंप्रूव हुआ। सेमेंट की बात करें तो क्या कुछ चैलेंजिंग रहा या नहीं कर पा रहे थे या करवाया गया या कुछ ऐसा सीन, वो रोने वाला हाँ सीन कुछ क्या था? रोने वाला सीन था एक, मतलब रोना आता नहीं था, हंसने के टाइम पे रोना था, रोने के टाइम पे हंसना आता था, बस उसमें दिक्कत हुई। फिर ज़्यादा मतलब एक्शन सीन में और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि वो जंगलों वाली एरिया में इतनी रफ एरिया में ऐसे विदाउट स्लीपर्स भागना पड़ता था। एक सीन था जो पार्ट को सबसे ज़्यादा कठिन लगा वो कि एक कांटों के और जंगलों के बीच से भागना था, दौड़ना था और दौड़ना था इसको। अब ये पहले कभी इतना हार्ड वर्क किया नहीं, जो इसने अपने माँ के हाथ से या बाप के हाथ से पहने तो वो फर्स्ट टाइम था कि इसको नंगा भागना है, वो भी कांटों वाली जगह में, तो दौड़ने में ये सभी को प्रॉब्लम कर रहा था। सर ने कहा कि पार्थ भाई सीन दो, तो पार्थ ने सर से कहा कि अंकल पहले आप सूज निकाल के भागिए, जब मैं ये सीन करूँगा। सर ने कहा भाई मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं आर्टिस्ट थोड़े ही हूँ, ये तो आपका काम है, आपको भागना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं कर सकता ऐसे। फिर हमारे शिवकुमार गावड़ा जी DOP थे, उन्होंने पार्थ से बड़ी जमती थी कि पार्थ को मैं समझाता हूँ, पार्थ को समझाया। पार्थ ने कहा अंकल पहले आप भागो, आप दौड़ो नंगे पैर, जब दौड़ता हूँ मैं करीबन ऐसा 300-400 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ था, देख रहा था ये नौटंकी कर रहा है। तो फिर मेरे पास गए तो पार्थ तो सीन ही नहीं करेगा, शाम हो जाएगी अभी, मैं गया, मुझसे भी पार्थ ने वही कहा कि पापा पहले आप नंगे पैर दौड़ो, तो मैं भी दौड़ो। मैं ठीक है भाई, मैंने फिर अपने शूज वगैरह निकाले, मैंने उसमें रनिंग करी, दौड़ा मैं, फिर पार्थ ने वो सीन दिया। तो ये इसके लिए सबसे टफ सीन वही था। तो ये मान सकते हैं कि मतलब स्टारडम चढ़ गया है पार्थ के ऊपर, क्योंकि अब जैसे स्टार नखरे करते हैं वैसे ये भी नखरे कर रहा था? नहीं, स्टार बनने के पहले ही नखरे करता था, स्टार बनने से पहले इससे पता चलता था कि आने वाला अपकमिंग स्टार है। थैंक यू सर, थैंक यू।